क्या आपको पता है कि देश की वे 5 जगह जहां भारतीयों के जाने पर है बैन, केवल विदेशियों का होता है वहां वेलकम। तो फिर हम बात करने वाली इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ टॉप 5 फैक्ट में। तो अभी आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर हम आपको बताएं कि भारत में ही कुछ ऐसी भी जगह है जहां भारतीयों का जाना बैन है, हालांकि वहां विदेशी पर्यटकों का दिल खोलकर स्वागत किया जाता है, ये कैसे? तो आप चौंक जाएंगे, लेकिन यह सच है। बैन की वजह से भारतीय अपने ही देश में मौजूद इन जगहों पर नहीं जा सकते, हालांकि विदेशी पर्यटक के लिए हमेशा खुले रहते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि वे कौन कौन सी जगह है। जिसमें पहले नंबर पर है गोवा बीच। यह बीच गोवा में है। इस राज्य की अर्थव्यवस्था पूरी तरह पर्यटन पर निर्भर है, जिसमें बड़ा हिस्सा विदेशी पर्यटकों से आता है। कहा जाता है कि यहाँ कई ऐसी समुद्री बीच है जहाँ सिर्फ विदेशी पर्यटकों को ही एंट्री दी जाती है। भारत के देशी पर्यटकों का इन बीचों पर जाना बैन है। इसकी वजह विदेशी पर्यटकों की शांति में खलन या भंग करना, डालने जैसा रोकना, कुछ ऐसा है उनकी आपत्ति है। फैक्ट नंबर 2, अंडमान निकोबार का नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। इस आइलैंड पर भी द्वीप समूह के द्वीप नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में सिर्फ आदिवासी निवास करते हैं। यह द्वीप बाहरी दुनिया में संपर्क नहीं रखता। इस द्वीप पर बाहर से आए हुए किसी भी व्यक्ति का जाना वर्जित है। फैक्ट नंबर 3, हिमाचल प्रदेश में कसोल का फ्री कैफे। हिमाचल प्रदेश के कसोल में फ्री कसोल कैफे बना हुआ है। उस कैफे का संचालन इजराइल मूल के लोग करते हैं। वहाँ पर भारतीयों का जाना बैन है। कैफे के संचालकों का कहना है कि वे केवल अपने मेंबर्स को ही भोजन और स्नैक्स सर्व करते हैं। इस मुद्दे पर कई बार विवाद भी हो चुका है, लेकिन अर्थव्यवस्था में विदेशी पर्यटकों की हैसियत को देखते हुए सरकार इस मामले में ज्यादा कड़ाई नहीं करती। फैक्ट नंबर 4, चेन्नई का रेड लॉलीपॉप हॉस्टल। चेन्नई में रेड लॉलीपॉप हॉस्टल में केवल विदेशी पर्यटकों को ही एंट्री दी जाती है। होटल प्रबंधकों का कहना है कि वहां केवल पहली बार भारत आने वाले पर्यटकों को ही सेवा प्रदान करता है। भारत के देशी पर्यटकों को हॉस्टल अपनी सुविधाएं नहीं देता, वहां पर एंट्री पासपोर्ट दिखाकर दी जाती है। फैक्ट नंबर 5, बेंगलुरु का यूनो इन होटल। जी हाँ, बेंगलुरु शहर में बने यूनो इन नाम के एक होटल में भी भारतीय लोगों को जाने पर रोक थी। होटल में केवल जापान के लोगों को ही एंट्री दी जाती थी। इस होटल को वर्ष 2012 में बनाया गया था। इसके बाद जब होटल पर नस्लीय भेदभाव के आरोप लगे तो करीब 2 साल बाद इसे बंद कर दिया गया। तो ये रहा है भारतीयों, कई लोग अपने ही देश में खूबसूरत जगहों पर नहीं जा सकते हैं। तो फिर कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट में बताया जी। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रेड कलर में लिखा उसको टच ही कर दो यार, मतलब आ गया वीडियो के अंदर तो उसको टच ही कर दो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।